आज के समय में स्ट्रेस लोगों की जिंदगी का आम हिस्सा बन गया है। ऐसे में यह डायबिटीज के मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है। दरअसल तनाव बढ़ने पर शरीर में कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। यानी तनाव डायबिटीज के मरीजों पर बुरा असर डाल सकता है। जब हम तनाव लेते हैं तो शरीर ब्लड में एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल नामक दो हार्मोन रिलीज करता है। ऐसे में सांस लेने की दर बढ़ जाती है। ऐसे में जब हमारा शरीर इसे समझ नहीं पाता तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ने लगता है। लगातार तनाव लेने से हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो तनाव पर काबू पाना सीखें। दोस्तों, डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए अगर आप एक अच्छा ग्लूकोमीटर ढूंढ रहे हैं तो आपको अगेरो ब्रांड का ब्लड ग्लूकोमीटर ज़रूर परचेज करना चाहिए। इसमें आपको 10 लैंसेट्स और 10 स्ट्रिप्स फ्री देखने को मिलती है। ये ग्लूकोमीटर काफ़ी एक्यूरेट है और मात्र 5 सेकेंड में आपकी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करके रीडिंग दे देता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तनाव आपको कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है। आप जिस तरह से तनाव महसूस करते हैं आपका शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है। जब टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर आमतौर पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों को कुछ और ही महसूस हो सकता है। यानी कि तनाव के कारण ब्लड शुगर कभी कभी बढ़ भी सकता है और कभी कभी कम भी हो सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे पहले आपको इसके कारणों का पता होना ज़रूरी है। स्ट्रेस होने पर ब्लड प्रेशर की जाँच ज़रूर करें और साथ ही अपनी ब्लड शुगर को भी ट्रैक करें। कोशिश करें स्ट्रेस कम लें। इस पैटर्न को कुछ हफ्तों तक लगातार अपनाएं। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अधिक स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। ये तनाव को मैनेज करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। स्ट्रेस कम लें, कैफीन का सेवन कम करें। अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो आपको अपने दोस्तों और परिवार से बातचीत करें। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।